गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमडेन पब्लिक स्कूल। मैं आपके टीचर मिस नेहा राणा। आज आपको ईवीएस का फोर्थ लेसन करवाऊंगी, टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली क्या होता है? परिवार। क्या होता है फैमिली? परिवार। और टाइप्स होते हैं प्रकार की भी फैमिली से बताया कि फैमिली कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैमिली, तो अब आज आपको इस लेसन में फैमिली के बारे में बताया जाएगा कि परिवार क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि फैमिली का मीन्स परिवार होता है, लेकिन परिवार बनता किससे है, ठीक है। तो आज आपको ये बताएंगे फैमिली कितने प्रकार की होती है वो बताएंगे। तो ए फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली। फैमिली क्या होता है? परिवार। ए फैमिली कंसिस्ट, सी ओ एन एस आई एस टी एस, कंसिस्ट। ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स होते हैं माता पिता, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स। एंड ए एन डी एंड, और टी एच ई ए ई आई आर, देयर। चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन, बच्चे। तो एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। परिवार में क्या कौन कौन होता है? माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो परिवार कैसे बनता है, जिसमें किसको बोलते हैं हम परिवार? परिवार को बोलते हैं जिसमें हमारे माता पिता रहते हैं और हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिवार, ठीक है। तो ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो उसके बाद है ऑल, ऑल मीन्स सभी, ए डबल एल ऑल, ऑल मीन्स सभी, एम ई एम बी ई आर एस, मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स सदस्य, ऑल मेंबर्स, सभी सदस्य। ऑफ अ फैमिली, परिवार के सभी सदस्य। ऑफ अ फैमिली, फैमिली ए एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली मीन्स परिवार। लीव, रहते हैं, एल आई वी ई, लीव। टुगेदर, एक साथ, टी ओ जी ई टी एच ई आर। इन अ हाउस, एच ओ यू एस, हाउस। एक परिवार के सदस्य, एक परिवार के सभी सदस्य, ठीक है, एक घर में एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? हाउस। हाउस क्या होता है? घर क्या होता है? हमें पता है कि घर, घर कैसे बनता है? सीमेंट से, मतलब लगा लो कि ईंटों से घर बनता है, लेकिन हमें पता नहीं ना, घर जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हों उसको क्या बोलते हैं हम? घर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हों तो उसको क्या बोलेंगे हम? घर बोलेंगे, ठीक है। सम फैमिलीज, एस ओ एम ई, सम मीन्स कुछ, फैमिलीज परिवार, एफ ए एम आई एल आई ई एस, फैमिलीज कुछ परिवार, आर लार्ज, कुछ परिवार है जो बड़े होते हैं, एल ए आर जी ई, लार्ज, कुछ परिवार हैं जो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। वाइल, W H I L E, while, some are small, S M A double O double L, कुछ परिवार हैं जो कि, कुछ परिवार बड़े होते हैं जबकि कुछ परिवार क्या होते हैं? छोटे होते हैं। पता है ना कि कुछ परिवार तो बिल्कुल बड़े होते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, चाचा चाची के बच्चे, हम सारे, मतलब और सारे इकट्ठे रहते हैं, तो वो तो होगी लार्ज फैमिली। और जो स्मॉल फैमिली होते हैं उसमें क्या होता है? सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे। वी शी, वी मतलब हम, शी देखते हैं, थ्री टी एच आर डबल ई, थ्री, तीन। टाइप्स, प्रकार ऑफ फैमिलीज, परिवार, इन अवर नेबरहुड, कि हम हमारे पड़ोस में तीन प्रकार की, तीन प्रकार के परिवार को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन से होते हैं? स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा या न्यूक्लियर एकल परिवार।
सबसे पहले कौन सी फैमिली आती है? स्मॉल फैमिली, स्मॉल या न्यूक्लियर, ठीक है, हम स्मॉल भी बोल सकते हैं, छोटा परिवार, या फिर बोल सकते हैं एकल परिवार। उसके बाद कौन सा आता है? लार्ज फैमिली। कौन सी फैमिली आती है? लार्ज फैमिली, जिसमें कि बड़ा परिवार, ठीक है, जिसमें माता पिता होते हैं और उनके दो या दो से अधिक बच्चे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? लार्ज फैमिली। और जॉइंट फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली होती है संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, कजन्स, भाई बहन और भाई बहन रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? जॉइंट फैमिली। तो आज मैंने आपको फैमिली के बारे में बताया है, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ऑल मेंबर्स, परिवार के सभी सदस्य, ठीक है, ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस, कि एक घर में, एक परिवार में, एक परिवार के सभी सदस्य एक घर में एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाउस। हाउस बोलते हैं कि जिसमें एक परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। सम फैमिलीज आर लार्ज वाइल सम आर स्मॉल, कि कुछ फैमिलीज होती हैं जो कि बड़ी होती हैं और कुछ, जबकि कुछ फैमिली जो कि छोटी होती हैं, ठीक है। वी सी थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन योर नेबरहुड, कि हम अपने पड़ोस में तीन प्रकार के परिवार को देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड लार्ज फैमिली और थर्ड जॉइंट फैमिली। तो आपको ये लेसन, आपको ये फर्स्ट पार्ट रीड करवाया गया, मतलब पढ़ाया गया है, तो आप इसको अच्छी तरह रीड करोगे और जो इसके वर्ड मीनिंग है, जो मैंने ये वर्ड लिखे हैं, उनको अच्छी तरह लर्न करोगे, उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड को छांटोगे। ओके स्टूडेंट्स।